अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी। बहुत ही जल्दी एकदम झटपट से खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए इमली की खट्टी मीठी की चटनी बनाने की तरह बहुत सारी तैयारी नहीं करनी पड़ती। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में शानदार खट्टी मीठी चटनी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमें एक घोल तैयार कर लेना है। इसके लिए हम एक बोल लेंगे और इसमें 1/3 कप यानी कि 30 ग्राम डालेंगे अमचूर का पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर, और इसमें 1 कप पानी डालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का, और इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि इसमें किसी तरह का कोई लंप यानी कि कोई गांठ ना हो। और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक डालेंगे, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। 1 टीस्पून भर के डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भर के डालेंगे सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 1 से 2 पिंच रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो कि ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, और बस अब इन सब मसालों को अच्छे से मिला देंगे इस पानी के अंदर। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ये तैयार करा हुआ मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। इसी के साथ हमें इसमें 1 कप यानी कि 225 ग्राम शक्कर भी ऐड कर देनी है। अगर आप शक्कर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसको चलाते हुए पकाना है हाई फ्लेम पर। हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। जब तक ये मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है, और ये देखिए एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मेलन सीड्स यानी कि मगज़ डाल रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ अच्छा लुक लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, फिर सर्व करेंगे। पर इसका नमक और मिर्च वगैरह एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पर आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी कम लगता है तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो अब हमारी चटनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है। तो आपने देखा अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाना कितना आसान है, बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत ही झटपट, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी चटनी बनकर तैयार होती है। इसको बनाने के लिए आपको पहले से कुछ भी तैयारी नहीं करनी। जब भी आपको ये चटनी बनानी हो झटपट से बना लें, बहुत ही इंस्टेंटली आपकी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आने वाले रमज़ानों में आपके बहुत काम आने वाली है। एक बार बनाकर रख लीजिए, पूरे महीने आप इसको स्टोर कर सकते हैं। कोशिश करिएगा किसी कांच की बॉटल में स्टोर करें तो बेस्ट है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।